स्टूडेंट देखिए, आपको मैंने कल 6 क्लास में जो आपका चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, तो उसमें क्वाड्रिलेटरल्स का द्वारा से आपको रिपीट करा है, तो आपको आशा होगी कि आपको वो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब इसमें आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे थे, तो मैंने कल आपको जो है क्वाड्रिलेटरल टेस्ट में रेक्टेंगल्स बताया था, अब आप यहाँ पे स्क्वायर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सेट स्क्वायर के बारे में बताता हूँ। देखिए, आपको इस तरह का आपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक सेट स्क्वायर देखा होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एंगल्स होता है, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और ये एंगल आपका कितना होगा, 30 डिग्री। एक अनदर सेट स्क्वायर होता है, इस तरह का सेट स्क्वायर आप देखेंगे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, यहाँ पे आपका एंगल कितना 90 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा आपको, ये साइड और ये साइड आपके इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एंगल कितने आपके 45 डिग्री है। तो आप जैसे स्क्वेयर्स है, तो आप देखेंगे इस तरह का जो सेट स्क्वेयर्स है, आप यहाँ पे दो सेट स्क्वेयर को अगर आप ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड इस तरह से, तो आपके जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सेट स्क्वेयर है उसका पेयर्स कितना दे रखा आपको, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरह का आपको ये सेट स्क्वायर होता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, और ये एंगल भी 45 होगा। जब ये एंगल 45 है, तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, आपस में इक्वल हो जाएगी दोनों साइड, और ये आपकी जो साइड होती है ये आपकी इक्वल नहीं होगी, है ना। तो कैसे, किस टाइप का ट्राइंगल्स कहलाता है, इट इज कॉल्ड द आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप दो सेट स्क्वायर को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। अब वन सेट स्क्वायर का एंगल कितना 45 डिग्री है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कि ये साइड इसके इक्वल है और आपकी ये साइड इसके इक्वल है। अब दोनों सेट स्क्वायर एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो ये चारों साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर और क्यू आर इज इक्वल टू आर एस और आर एस इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पी एस के इक्वल होगा। अब इसमें आप देखेंगे ईच एंगल इज 90 डिग्री। देखिए ये एंगल तो अपन 90 है, ये भी एंगल अपन 90 है। अब ये एंगल मैंने कितना बताया था आपको, 45 डिग्री है, ये भी आपको 45 है। अगर आप इस पूरे को कंबाइंड करते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपन 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये कंप्लीट एंगल कितना होगा अपन 90 डिग्री होगा। तो स्क्वायर में प्रॉपर्टी होती है कि अब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। देखिए ये जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी पे बेस आपकी एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी को ध्यान से लिखना है, समझना है और याद करना है, ठीक है ना। और इसमें आपको एक टेबल भी दे रखी है आगे जाके लास्ट में, वो टेबल मैं बताऊंगा किस तरह से आप उसे फिल करेंगे कॉपी पे बना के, फिर कॉपी पे। अब इसमें डायग्नोस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपके जैसे ये सेट स्क्वायर्स है, इस तरह से आपको सेट स्क्वायर्स है, ये आपको सेट स्क्वायर्स है, तो आप देखेंगे जो दोनों साइड के होंगे आपस में इक्वल्स हो जाएंगे। सेट स्क्वायर्स में जो स्क्वायर्स होता है उसका डायग्नोस क्या होते हैं, इक्वल्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये आपका स्क्वायर्स बन जाता है। अगर आप दो सेट स्क्वायर जिसके एंगल 45 डिग्री और 90 डिग्री है, तो वो स्क्वायर फॉर्म होता है। पर जैसे मैंने आपको सेट स्क्वायर्स के बारे में बताया था, अब जैसे आपका सेट स्क्वायर्स है, तो इसका एंगल कितना आपको 90 डिग्री, ये एंगल आपका कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये एंगल आपका 60 डिग्री। देख रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो आप देखेंगे जो साइड है ये इस साइड की क्या होगी, डबल होगी। ये साइड आपकी इसकी हाफ है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका एंगल अपोजिट एंगल्स हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल्स हम ले रहे हैं 30 डिग्री 60 डिग्री। आपको जैसे हम इसमें सेट स्क्वायर को इस तरह से इस पोजीशन पर रख रहे हैं और दूसरे सेट स्क्वायर को रख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है इस तरह की जो फिगर ऑब्टेंड होती है, इसमें भी आप देखेंगे फोर साइड्स हैं और जो फोर साइड्स एनक्लोज्ड फिगर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसे हम सिम्बोलिकली किस तरह से लिखते हैं, इट इज रिटन एज पैरेलल। एक तो आपको यहाँ पे पैरेलल का साइन होगा, इस तरह से हम यहाँ पे पैरेलल और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, GM। तो ये इससे रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है, अगर आप यहाँ पे एंगल्स देखते हैं 90 + 30 = 120 हो गया, ये भी आपको 90 + 30 = 120, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए और यहाँ पे आमने सामने के एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए, 60 डिग्री हो गया। तो आपका जो रेक्टेंगल्स होता है और पैरेललोग्राम्स में डिफरेंस होता है,
आप देखेंगे रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, जो ईच एंगल है वो आपका 90 डिग्री नहीं होगा। इसमें आपके जो सिमिलरिटी होती है वो क्या सिमिलर होगा, अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल इन रेक्टेंगल एंड सिमिलर वे द अपोजिट साइड्स आर आल्सो इन इक्वल पैरेललोग्राम, बट डिफरेंस कहाँ पर आएगा, एक तो एंगल्स में आता है, एक आपका डायगोनल्स आता है, कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम्स में आर नॉट इक्वल, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल्स में डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। जो रेक्टेंगल्स होता है उसमें आपके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, ठीक ना। तो ये इन दो उसमें डिफरेंस होता है, बाकी एक प्रॉपर्टी आपकी सिमिलर होती है। सो प्रॉपर्टी सिमिलर में आपका अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जैसे रेक्टेंगल्स में होता है सिमिलरली आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम्स में भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। अब देखिए इसमें आपका जैसे यहाँ पे सेट स्क्वायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इस तरह का आपका ये सेट स्क्वायर्स है, तो इसमें हम कितने सेट स्क्वायर्स ले रहे हैं, 4 सेट स्क्वायर्स यूज कर रहे हैं, और इसमें ये जो साइड है इसको हम कॉमन रख रहे हैं, ये साइड आपकी कॉमन है, ये 90 डिग्री होगी, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, और ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, और ये एंगल आपका 30 डिग्री, ऐसे ही आपका एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री। तो इस तरह से हम जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो ये आप देखेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, इस क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्या बोलते हैं, डैट इज कॉल्ड द रोम्बस, इसे हम रोम्बस बोलते हैं। देखिए ये स्क्वायर के एक स्पेशल कंडीशंस होती है, या रोम्बस की एक स्पेशल कंडीशन होती है, स्क्वायर होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है अपोजिट ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें आपके चारों साइड इक्वल्स होंगी, और अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे आप ये एंगल्स कंसीडर करेंगे तो ये एंगल आपको कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ऐसे आप यहाँ पे 30 डिग्री ले रहे हैं 30, तो ये भी एंगल आपको 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे आप अगर आप एंगल्स कंसीडर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ऐसे आप यहाँ पे इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये भी एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो आपको यहाँ पे स्क्वेयर्स में क्या होता है, ईच एंगल्स आपको 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस में ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, बट अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं इन रोम्बस, ठीक है। इसमें आपका चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल्स होंगी, और इसमें डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और आपके क्वाड्रिलेटर की शेप रह जाती है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज आप इतना ही रखेंगे, बाकी यह है इसको आप ड्रॉ करेंगे फिगर्स को, और इसकी प्रॉपर्टीज को लर्न करेंगे, और इतना ही रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।